स्टार प्लस के जाने माने सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी समय के साथ दिलचस्प होती चली जा रही है। लीप के बाद सई और विराट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अलग होने के बाद सई और विराट अपने बच्चों को पाल रहे हैं। लीप के बाद विराट ने पाखी के साथ शादी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ सई ने भी किसी और का हाथ थाम लिया है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में आपने देखा कि सई और विराट बच्चों के साथ गणपति का स्वागत करते हैं। इस दौरान सभी बप्पा से अपने पिता को मांगती है। सई को याद करके विराट इमोशनल हो जाता है। इसी बीच सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है। टीवी के गलियारों से आ रही खबरों की माने तो जल्दी पाखी को ये बात पता चल जाएगी कि सई जिंदा है। सीरियल में आप देखेंगे कि अश्विनी विराट को देखकर इमोशनल हो जाएगी। अश्विनी बार बार विराट को याद दिलाएगी कि किस तरह से पाखी ने सई के जाने के बाद घर को संभाला है। अश्विनी दावा करेगी कि वो अब सई से नफरत करने लगी है। अश्विनी सई को विनायक का कातिल बताएगी। इतना ही नहीं, अश्विनी विराट के कान में सई के खिलाफ जहर भरेगी। दूसरी तरफ सई भी अपनी नफरत का इजहार करेगी। सई कहेगी कि विराट ने एक्सीडेंट के बाद एक बार भी उसे खोजने की कोशिश नहीं की। सई सभी को उसके पिता का नाम बताने से साफ इनकार कर देगी। इस एंटरटेनमेंट टीवी सीरियल में जल्द विनायक की तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत बिगड़ते ही विनायक को सई की याद आएगी। विनायक पाखी से अपना फोन लाने के लिए कहेगा। विनायक के बैग के पास पाखी को सई की तस्वीर दिखेगी। सई की तस्वीर देखकर पाखी घबरा जाएगी। पाखी समझ जाएगी कि सई अब भी जिंदा है। अश्विनी से बात करते हुए विराट रोने लग जाएगा। विराट को पछतावा होगा कि उसने सई के साथ गलत किया। विराट कहेगा कि वो चाहता तो सई को रोक सकता था। अगर वो सई को रोक लेता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। उस एक्सीडेंट में उसके परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया है। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स पर जरूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।